आप सभी को आठवें नवरात्र का हार्दिक शुभकामनाएं। हाई टू फैमिली, आपका स्वागत है बबीता किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं समय चावल की खिचड़ी और कुटी के आटे के पकौड़े। समय का चावल लिए, मैंने धो लिए अच्छे से। एक टमाटर लिया है, हरी मिर्च ली है, धनिया लिया है, एक आलू लिया है, छोटा छोटा काट लिया। पकौड़ों के लिए एक छोटी कटोरी आटा लिया है, दो आलू लिए मैंने। घी अच्छे से गर्म हो जाए, जीरा अच्छे से सड़क जाएगा। अब डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को अच्छे से भून जाने दो। टमाटर, टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे बर्फ वाला नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। लेंगे हम चावल, उन्होंने मैंने धो के रख रखे थे, अच्छे से मिला लेंगे। ये कटोरी, अब हम ढक लगा लेंगे। जब तक हमारी खिचड़ी बन रही है, जब तक हम पकौड़ों की तैयारी कर ले रहे हैं। डालना है रिफाइन, आप घी में सेक सकते हो। मैं पकौड़े रिफाइन में अच्छे लगते, घी में अच्छे नहीं लगते। आलू मैंने काट ले, चिप्स ऐसे लंबा लंबा काटना है इस तरीके से, जो हमारा चिप्स बड़ा सा लगे। हमने काट लिए इस तरीके से, ऐसे डालेंगे। नमक डालेंगे, मिर्च अच्छे से मैंने कूट ली है, अभी मिर्च डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, उसको घोल बना लेंगे। जैसे हम बेसन का घोल बनाते हैं ना, इस तरीके से बना लें, इस तरीके से घोल बना लेना। अब हमारा घोल तैयार हो गया। अब हम ऐसे करके पकौड़े को ऐसे लेंगे, इस तरीके से ऐसे डाल देंगे, इस तरीके से ऐसे ही में सारे पकौड़े डाल देंगे इस तरीके से, एक एक करके ऐसे डाल देंगे, कर लेंगे। देखो हमारे कितने अच्छे पकौड़े बने, फूले फूले, इस तरीके से पलट लेंगे। अब किसी आलू में बेस आटा ना लगे ज़्यादा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेक लेंगे। इस तरीके से सेकना है, जैसे बेसन के पकौड़े क्रंची से हो जाते हैं ना, इस तरीके कुरकुरे से होंगे, खाने में भी अच्छे लगेंगे इस तरीके से। अभी और सेकने दो। अब पकौड़े हमारे हो गए हैं क्रंची, तो हम निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। जब कितना आवाज़ आ रही है ऐसे, इस तरीके से आवाज़ आना चाहिए। अरे सामा के चावल की खिचड़ी तैयार हो गई है, अच्छे से मिला लेंगे। देखो कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी तैयार हुई सामा, इस तरीके से। हमारा वो चिकनई खाना खाते खाते मतलब बोर हो जाए, तो ये खिचड़ी बना के खाओ पर तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें हेल्थी से महसूस होगा। इस तरीके से हमारे तरीके से बना के देखना खिचड़ी कितनी अच्छी लगती है। सबका तरीका अलग अलग होता है, कोई कुछ डालता कोई कुछ डालता। अब इसी से खिचड़ी के साथ हमारे पकौड़े खाओ और एंजॉय इस तरीके से। अब हमारी खिचड़ी हो गई है तैयार, खिचड़ी और पकोड़े। अब हमारी खिचड़ी तैयार है समय के चावल की और कुटी के आटे के पकोड़े। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।